हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। एंड भाई टाइटल से आपको पता चल गया होगा, आज हम अपनी बलिनो में इंस्टॉल कराने वाले हैं वूफर, सब वूफर कुछ भी कह लो। बट यार मौसम कितनी जल्दी चेंज हो रहा है, मुझे हो गया जुकाम, इसलिए ये रुमाल भी लेके ही चलते हैं। ये तो एज ऑलवेज लिटा पड़ा है, चिल मोड ही चलता रहता है टफी का, बट इधर भी ज्यादा ही चिल मोड आ गया भाई। एकदम इतनी गर्मियां पड़ी फिर भी जुकाम हो गया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा ऐसा क्यों हुआ है। एंड मेरे केस में ना ऐसा होता है, जैसे जुकाम से स्टार्ट हुआ फिर बुखार, सर दर्द, सब कुछ ही एकदम हो जाएगा। बट इस बार मैं सोच रहा हूँ पहली ना दवाई वगैरह ले लूंगा जुकाम की। वैसे कहते हैं जुकाम की दवाई लेनी नहीं चाहिए, जो रनिंग नोज होती है सारा गंदे वगैरह निकल जाना चाहिए। बट भाई फीवर अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे। बट ठीक है, ये सब बातें छोड़ते हैं। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ भाई, वरना मैं बलिनो उधर से जीरकपुर से ही लेके आएंगे तो चंडीगढ़ में मिलेंगे। सेंटर पॉइंट हमारा चंडीगढ़ है, जहाँ से हम काम कराएंगे। और इस वीडियो के थ्रू ना आपको भी पता चल जाएगा कि भाई कौन सा वूफर आपकी बलिनो मतलब कि हैचबैक के लिए मैं कहूँगा कि बेस्ट रहता है। जो मुझे पर्सनली लगता है ना, एसयूवी के लिए अलग, हैचबैक के लिए अलग और सेडान के लिए तो कामयाब ही नहीं लगते भाई। वूफर एक बार डलवा के देख लिया था, जो पहले मेरे पास डिजायर थी। बट लेट्स सी भाई चंडीगढ़ में क्या क्या ऑप्शन हमें मिलते हैं। आई नो भाई दिल्ली में बहुत वास्ट ऑप्शन है, दिल्ली में रेट भी कम है, कमेंट सेक्शन में ये मत लिखना। बट चंडीगढ़ में ऑप्शन वगैरह कम होते हैं और रेट भी हाई होते हैं। बट लेट्स सी कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए। एंड भाई कल वॉश कराई थी, वरना मतलब अंदर से भी बाहर से भी अब क्या लग रही है। क्लीन कार चलाने का ना अलग ही स्वाद आता है, नई नई वाली फीलिंग आती है। एंड मैं आपको बता रहा था ना कि सेडान में वूफर कामयाब नहीं है, क्योंकि यार सेडान की ना डिग्गी ना बंद होती है, इस वजह से ना वो ये डिग्गी में धम 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 होता रहता है। सब वूफर वूफर भाई मैं मतलब की वूफर कह देता हूँ, नहीं तो सब वूफर आजकल ज्यादा चल रहा है क्योंकि उसमें इनबिल्ट एम्प भी आ जाता है। और एक वूफर होता है कि सीट के नीचे लग जाता है, अंडर सीट वूफर कहते हैं मेरे ख्याल से उसे। वो भी मतलब कि ठीक ठाक है, मतलब वो वाली बातचीत उसमें नहीं लगती। उसमें तो ऐसा लगता है कि भाई वाइब्रेशन हो रही है सीट के नीचे, वो धूम धूम बेस से आती है ना। ये पीछे चल रही है एक मर्सिडीज GLA 200D, ये देखो बच्चा कैसे सनरूफ से बाहर निकला हुआ है। HP नंबर है, इन्हें मेरे ख्याल से पता नहीं है कि चंडीगढ़ में चलान है इस चीज का। चंडीगढ़ में क्या, वैसे ऑल ओवर इंडिया ही है मेरे ख्याल से, अगर चलती गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकलोगे। छोटे से बच्चे को निकाल रखा है, बहुत डेंजरस है भाई। बट एनीवे हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 28 और इधर खड़ी होगी हमारी कहीं पे बलिनो। तो भाई अब सीधा ही काम शुरू हो रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ की काम कैसे होगा, क्या हमने सोचा है क्या नहीं। क्या हाल है भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। क्या हो गया इसमें? वो स्पीकर डलवाए थे ना, वो चेंज करा रहे हैं, वूफर वगैरह लगवाना है। ठीक है, ये आगे आगे खोल दो, इधर कंपोनेंट डलेंगे। ठीक है, चाबी इधर रख रहा हूँ मैं, चाबी आप सेंटर। हाँ तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ, आगे कंपोनेंट्स, बीच में एम्प और पीछे वूफर। कंपोनेंट्स भी चेंज हो जाएंगे, मतलब कि पहले स्पीकर है नॉर्मल, ये वाले सेम रहेंगे, बीच में इधर एम्प आ जाएगा और इधर आ जाएगा वूफर। वो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा वूफर है और कौन से कंपोनेंट्स हैं। एक बार रुमाल निकाल ले, जुकाम भी तो बहुत है हमें। ये 15 का है, 9.5 का है भाई। सबसे पहले जो चीज चूज करी है वो है कंपोनेंट्स, ब्लैम के हैं ये, और ये अराउंड 15,000 के हैं भाई कंपोनेंट्स। वैसे तो ना मैं वीडियो के एंड में आपको प्रॉपरली बिल दिखाऊंगा क्या कितने का पड़ा है। भाई कंपोनेंट के बाद बारी आती है एम्प और वायरिंग। और वायरिंग ना मेन चीज है भाई, बढ़िया सी लगाना है, स्ट्रिंगर की है। एंड एम्प भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, V12 बोस्टिक का एम्प है जो की है 4 चैनल। और भाई एम्प की वायरिंग ना इधर से होती है, और जो अंदर स्पीकर वगैरह उसकी अलग वायरिंग होगी। वैसे ना म्यूजिक सिस्टम है ना, वायरिंग वायरिंग का भी ना बहुत खर्चा आ जाता है, ये बात तो है ही। और यार टाइम वगैरह भी बहुत कंज्यूम होता है। बट इस बार ना जिसे कहते हैं ना बलिनो का म्यूजिक सिस्टम टॉप नॉच हो जाएगा बिल्कुल ही। एंड भाई वूफर की बात करें, ये है वूफर JBL का 1500 वॉट का। और मुझे पता है कमेंट सेक्शन में आएगा भाई कोई और डलवाना था, भाई इधर और कोई ऑप्शन नहीं है, चंडीगढ़ में बहुत लेस ऑप्शन आपको मिलते हैं। बट इसकी परफॉर्मेंस भी बढ़िया है, सही बजेगा ना, हिलजेगी बलिनो वैसी बिल्ड को। और भाई ये देख लो, ये है कन्वर्टर, ये भी लगता है तभी जो एंड्रॉइड सिस्टम है ना उसमें म्यूजिक प्ले होता है। 5500 रुपए का यार कन्वर्टर, बताओ। एंड भाई जो आपको कन्वर्टर दिखाया है ना, वो लगता है इंफोटेनमेंट स्क्रीन के पीछे, बिल्कुल ही भाई कार खुल गई पूरी। भाई पहले ना हम जो एम्प डलवा रहे थे ना वो था 4000 कुछ का 4 चैनल, और ये कितने का है भैया? 11,000 का। 11,000 का वो था, थोड़ा लो क्वालिटी था। अब भाई देखो कन्वर्टर ही 5,500 का डलवाया है। फिर भैया ने हमें सजेस्ट करा कि और अच्छा डलवा लो, हमने कहा ठीक है। बट भाई आप साउंड सुनना, अब बलिनो में ना अच्छा खासा पैसा फूक रहे हैं, जो साउंड आएगी ना वो टॉप नॉच आएगी भाई। भाई टाइम हो चुका है 12:55 और अभी तक ना काम चले ही जा रहा है। और मैं तो छिक्के मार मार के थक चुका हूँ भाई, इतनी ज्यादा छिक्के आ रही है। तबीयत ना बिल्कुल ही जिसे कहते हैं डामाडोल हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। घर जाके रेस्ट ही करूँगा, बट एक बार पूरा काम हो जाए। हाँ जी, मैं कहता था एक बार पूरा काम हो जाए फिर मैं आपको ना म्यूजिक सिस्टम सुनाता हूँ। चलो भाई ऑलमोस्ट ना काम हो ही चुका है, अभी दरवाजे खुले हैं। अब मैं ना NCS चला रहा हूँ, पंजाबी गाने भाई अगर सुनने हैं, इंस्टाग्राम ID आपको दिख रही होगी, आप उधर फॉलो कर लेना, आपको उधर सुन जाएंगे। बट यस NCS चला लेते हैं, अभी गेट खुले हैं, गेट भी बंद करूंगा, रुक जाओ अभी। खुले हुए हैं तो ये हाल है। भाई बताओ कैसी लगी साउंड। कार में बंद कर देता हूँ भाई। क्लियरली वन ऑफ दी लाउडेस्ट बलिनो जो मुझे पर्सनली लग रहा है। और यार इसकी स्मार्ट ट्रंक एक तो चलो खुल गई है, बंद ही कर लेते हैं। बट भाई अंदर ना 2-3 मिनट मतलब कि वीडियो में तो उन्हें कम ही दिखाया होगा, बट सर दर्द, बहुत ही तगड़ी बेस, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बेस। भाई बाहर भी आ रही है और अभी तो बेस वाली मतलब कि बीट्स वगैरह नहीं है, जो वोकल्स है वो ही बाहर आ रही है। जी मैं आ चुका हूँ अपनी वरना में और ऐसा लग रहा है भाई क्या साउंड सिस्टम है वरना का। मतलब कि भाई वो चलता फिरता डीजे, जब उसके दरवाजे खोले ना बाद में बाहर इतनी तेज आवाज आ रही थी कि लिटरली भाई ऐसा लग रहा था कि डीजे ही है भाई। बहुत ही बढ़िया साउंड हो चुकी है, वन ऑफ द लाउडेस्ट बलिनो भाई मुझे अभी तक ये लगी। मतलब कि यार लाजवाब परफॉर्मेंस, लाजवाब आवाज यार, बट उतने ही लाजवाब पैसे भी लगे हैं। टोटल आप देख सकते हैं 40,600 एंड इधर देख सकते हैं 43,100 टोटल हुआ था, क्योंकि यार जो आगे के 2 कंपोनेंट्स है ना वो भाई मेरे ख्याल से 11-12 हजार के मैंने डलवाए थे, पर बिके पता कितने के हैं भाई वो 2,500 के। माड़े हाल, मतलब कि महंगाई भाई, डेप्रिसिएशन इन चीजों में भी बहुत ही ज्यादा यार, बट क्या कर सकते हैं भाई, शौक की बात होती है। बट जो भाई मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए उन्हें पता है भाई मुझे तो देखो इतनी मतलब आफ्टर मार्केट साउंड वगैरह मतलब जो भी म्यूजिक सिस्टम का काम होता है ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। मेरा तो यही टेस्ट है जो कंपनी देती है ना टॉप मॉडल्स वगैरह में, मतलब बढ़िया लगते हैं यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड एक जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, जहाँ जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे देखो अलग अलग चीजें मिलती हैं, अलग अलग ब्रांड्स चलते हैं, तो जो जो इधर अवेलेबल था ना भाई बेस्ट से भी बेस्ट मैंने लगवाया है, तभी इतना बिल आ चुका है। बाकी तो यार ये सब चीजें छोड़ते हैं, अब मैं चलता हूँ घर। मतलब कि इधर मुझे 1-2 काम और थे वीडियो के रिलेटेड ही, बट यार इतना जैसे कहते हैं ना शरीर टूट रहा है ना, बुखार भी धीरे धीरे ना बस चढ़ ही रहा है, पसीने भी आ रहे हैं, अजीब सा ही हो रखा है। घर जाते जाते ना दवाई लेता हूँ, क्योंकि भाई अफोर्ड नहीं कर सकते बीमार होना। कल भी बाहर निकलना है, मतलब रोज यार निकलना पड़ता है। अब घर जाते हैं ना पहले दवाई लेता हूँ, और अगर ज्यादा बीमार हुआ तो भाई नेक्स्ट के 1-2 दिन ना जो पुराना स्टॉक है ना, जो इमरजेंसी वाला स्टॉक मैं रखता हूँ, वो डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि कोई दिन मिस ना होए। हाँ भाई मेन चीज म्यूजिक सिस्टम है जो मैंने आपको बिल दिखाया, बाकी तो आप स्क्रीनशॉट ले पढ़ लेना क्या क्या लिखा है उसमें क्या क्या नहीं। बट जैसे कहते हैं ना मोटा खर्चा भाई एम्प का, और जो कन्वर्टर 5,500 का कन्वर्टर, 11,000 का एम्प, और कॉम्पोनेंट्स तो 15,000 के। हाँ जी, और वूफर मेरे ख्याल से टोटल पड़ा था 7-7,500 का। वूफर का तो यही रेट चलता है हर जगह, बॉक्स वगैरह के पैसे लग जाते हैं, और उससे भी ज्यादा वायरिंग। भाई इनकी वायरिंग इतनी महंगी होती है ना इन चीजों की। ओहो भाई साहब, अभी जो ये वाली वरना है ना, ये देखिए मैंने टेम्परेरी नंबर की रिबन रूबन लग रखे हैं, मतलब कि कल परसों डिलीवरी ली है। मतलब कि बंदे ये वाली वरना भाई ले रहे हैं, व्हाइट कलर की थी, एसएक्स ऑप्शनल। क्या बात है, इसकी फैन फॉलोइंग इतनी है क्या भाई इस वरना की, कि बंदे अभी भी, जब पता है कि अगले महीने 23 तारीख है, 21 मार्च को न्यू वरना आ रही है। रनिंग नोज हो रखी है और 1000 छिक्के आ गई होंगी, हल्का हल्का सर दर्द वगैरह। भाई मैं दवाई लेके सो गया था, तभी थोड़ी ऐसी हालत हो रखी है, बट ठीक है। इस वीडियो एंड मैंने करी नहीं थी, मुझे नहीं पता कि कितना छोटा व्लॉग बने, क्या बने आज का, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम के बाद मैंने जैसा आपको बताया 1-2 काम और भी करने थे मुझे, बट हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। दवाई ली और सो गया। अभी टाइम हुआ 6:30। मतलब कभी कभी ना इतने बेकार दिन चलते हैं ना भाई, जब तबीयत खराब हो और पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो और सब कुछ ही एक साथ आ जाए ना, तो बस दिन हो ही जाते हैं। बट क्या कर सकते हैं भाई, यही लाइफ है। बट एनीवे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपको बलिनो का म्यूजिक सिस्टम भी भाई पसंद आया हो। और एट द एंड ना मैं यही कहूंगा भाई, किसी की देखा देखी मत करा करो कि क्या चीज लगवानी चाहिए क्या नहीं। जितनी पॉकेट अलाउ करती है ना भाई, उस हिसाब से आप मॉडिफिकेशंस कराया करो कार में। मैं बहुत पहले जब भी मैं कोई मॉडिफिकेशन की वीडियो डालता हूँ ना, मैं यही बोलता हूँ जितनी पॉकेट अलाउ करती है ना भाई, उतने ही पैसे खर्चा करो, क्योंकि कराने को तो ना वीडियोस ऐसी ऐसी हैं, 10-10 लाख के म्यूजिक सिस्टम, 20-20 लाख के म्यूजिक सिस्टम। बट बात वही आ जाती है भाई कि खुद की आपकी पॉकेट कितनी अलाउ करती है। मेरी सर नहीं करती थी भाई, इसलिए हमने इतने का ही करा लिया है ना। आई होप आप लोग समझ रहे हो और रिलेट कर पा रहे हो भाई। बट एनीवे भाई, अभी ज्यादा बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही है, अभी बस सोच रहा हूँ कि थोड़ी वॉक कर रहा हूँ कि थोड़ा शरीर खुल जाए, जो ये रनिंग नोज है थोड़ी पसीना आके थोड़ी सी ठीक ठुक हो जाए। बाकी तो मैं आप सबको फाइनली मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।